तो भाई कैसे हो सब लोग? बवंडर आएगा बवंडर। आज मैं 10 ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो सभी एनिमेस के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एंटाकुस। गाइस, एंटाकुस एक बहुत ही अंडररेटेड एनीट्यूबर है जिसको कोई भी नहीं जानता। ये बंदा अपने चैनल पर एनिमे के रिलेटेड वीडियोस बनाता है जिनमें इसको व्यूज घंटा कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप इस गरीब भूखे बंदे की घर चलाने में मदद करना चाहते हो तो इसके चैनल को अभी के भी जाके सब्सक्राइब कर लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, टोक्यो घोल। अगर आपने टोक्यो घोल अभी तक नहीं देखा तो लिटरली आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वैसे तो टोक्यो घोल का मांगा मुझे और भी ज्यादा बढ़िया लगता है, बट फिर भी इसका एनिमे भी बहुत ही अच्छा है। टोक्यो घोल को स्टूडियो पीरॉट ने एनिमेट किया है और इसको 7.8 रेटिंग मिली है। नंबर 9, वन पंच मैन। अगर आपको एक्शन से भरे एनिमे देखना पसंद है देन वन पंच मैन बिल्कुल आपके लिए ही बना है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर साइतामा इतना ओवरपावर्ड है कि वो किसी भी बंदे को एक ही मुक्के में हरा सकता है। जी हाँ, इसी वजह से एनिमे का नाम वन पंच मैन है। अगर आपने वन पंच मैन अभी तक नहीं देखा तो भाई जाओ जाके देख लो। वैसे भी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, जी हाँ, म्यूजिशिया पे। सो आई डोंट थिंक आपको ये मिस करना चाहिए। नंबर 8, डीमन स्लेयर। इसका स्टोरी और एनिमेशन दोनों ही बहुत ही ओपी है। डीमन स्लेयर बहुत ही कमाल का एनिमे है। लिटरली हाई क्वालिटी एनिमेशन पे तबाही तोड़ एक्शन देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर तांजिरो कामाडो अपने भाई बहन और माँ के साथ एक घर में रहता है। उसके फादर की डेथ के बाद से ही पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर है। एक दिन किसी काम से उसको घर के बाहर जाना पड़ता है और रात को बेसिकली वो घर नहीं लौट पाता। अगले दिन सुबह जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है उसके भाई बहन और माँ को किसी ने मार डाला है। जल्दी ही उसको पता चलता है रात को जब वो घर नहीं था तब किसी डीमन ने उसके घर पर हमला किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इन सब का बदला लेने के लिए और अपने बहन को फिर से ह्यूमन बनाने के लिए वो ज्वाइन करता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स, जिनका काम है डीमन्स के हाथ से इंसानों की रक्षा करना। इसको माय एनिमे लिस्ट पर 8.3 रेटिंग मिली है। नंबर 7, माय हीरो एकेडमिया। माय हीरो एकेडमिया वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न डे शोनेन है। इसका स्टोरी सच में बहुत ही अच्छा है। इस एनिमे के अंदर एक ऐसे दुनिया के बारे में बताया जा रहा है जहां सबके पास कोई ना कोई मैजिक या फिर क्वर्क है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर इज़ुकु मिदोरिया कोई भी क्वर्क पोजेस नहीं करता, बट ही वांट टू बी अ हीरो। अभी कैसे वो अपने ड्रीम्स को परसू करता है वो जानने के लिए गो एंड वॉच माई हीरो एकेडमिया। एमएचए को एनिमेट किया है बोन्स ने और इसको आईएमडीबी पर 8.4 रेटिंग मिली है। नंबर 6, ग्रेट टीचर ओनिज़ुका। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एकिची ओनिज़ुका एक फॉर्मर गैंगस्टर है जो जापान का सबसे अच्छा हाई स्कूल टीचर बनना चाहता है। जीटीओ का स्टोरी बहुत ही फनी है, मगर इसके बारे में मुझे सबसे अच्छा जो चीज लगता है वो है इसके लाइफ लेसन्स। हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई लाइफ लेसन है। जिन्होंने ग्रेट टीचर ओनिज़ुका देखा है उन्हें पता ही होगा कि ये कितना अच्छा है। अगर आपको फनी एनिमे देखना पसंद है तो जीटीओ को एक बार जरूर ट्राई करना। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो पीरॉट ने और इसको 8.5 रेटिंग मिली है। नंबर 5, मुशीशी। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर गिन को अलग अलग जगह ट्रेवल करता है मुशीस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अभी सवाल आता है ये मुशी क्या है। एक्चुअली मुशीस लाइफ का सबसे बेसिक फॉर्म होते हैं। ये काफी अजीब तरह की सुपर नेचुरल बींग्स है जो तरह तरह के शेप और साइज में एग्जिस्ट करती है। जो लोग इन मुशीस के कॉन्टेक्ट में आते हैं उनको काफी अजीब तरह की डिजीज होने लगती है जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। सो गिन को नए नए जगह जाकर ऐसे मुशी से इन्फेक्टेड लोगों की मदद करता है। अभी आप लोग पूछ सकते हो कि मुशीशी किन को कहते हैं। बेसिकली मुशीशी उन लोगों को कहा जाता है जो मुशीस के बारे में रिसर्च करते हैं। इसे एनिमेट किया है स्टूडियो आर्टलैंड ने और इसको 8.5 रेटिंग मिली है। नंबर 4, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एनिमे। सी, मॉन्स्टर का स्टोरी मैं नहीं बताने जा रहा बिकॉज बिना किसी स्पॉइलर के इसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। रादर आई विल सजेस्ट कि आप खुद इसको जाके देख लो। मॉन्स्टर का मेन अट्रैक्शन है इसका विलेन जोहान। मॉन्स्टर को स्टूडियो मैडहाउस ने एनिमेट किया है और इसको 8.6 रेटिंग मिली है। नंबर 3, हंटर हंटर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम।
एक बैटल फोकस एनिमे होने के बावजूद भी हंटर हंटर स्ट्रॉन्गली फोकस करती है कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर गॉनफ्रिक हंटर बनना चाहता है टू फाइंड हिज फादर। अभी देखो यार, हंटर बनना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको हंटर एग्जाम पास करना पड़ता है विच इज वेरी टफ। हंटर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हंटर हंटर को एनिमेट किया है स्टूडियो मैड हाउस ने और इसको 9 रेटिंग मिली है। बिलीव मी, दिस एनिमे विल ब्लो योर माइंड। नंबर 2, काउबॉय बीबॉप। इस एनिमे के अंदर हमें साल दिखाया गया है 2071, जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है और इंसान स्पेस में भी रहने लगे हैं। साथ ही साथ बढ़ चुका है क्राइम रेट, इस वजह से क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए सरकार बाउंटी हंटर्स को अपॉइंट करती है, जिनको काउबॉय भी कहा जाता है। इस एनिमे का स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर स्पाइक स्पीगल और उसके दोस्तों के अराउंड है। इतने सालों बाद भी सभी एनिमे फैंस के मन में स्पाइक के लिए अलग ही जगह है। काउबॉय बीबॉप को एनिमेट किया है स्टूडियो सनराइज ने और इसको 8.9 रेटिंग मिली है। 1997 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका एनिमेशन सचमुच काबिले तारीफ है। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। देखो भाई, कहने को तो मैं काफी कुछ कह सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक दिस एनिमे नीड एनी इंट्रोडक्शन। इसका स्टोरी बहुत ही एपिक है। अबव ऑल, इसका स्टोरी एक डीप मीनिंग कैरी करती है जो पूरा सीरीज खत्म करने के बाद ही आपको समझ आएगा। इसको 9 रेटिंग मिली है। तो भाई, आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा। मैं खा मखा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया।